जो हमारा स्वर्ग था अभी होना है, कोर्ट नहीं होंगी, हॉस्पिटल नहीं होंगी। आजकल नई नई बीमारियां ऐसे निकल रही है जो डॉक्टर्स बेचारों के पास दवाई नहीं है। दोनों ये दुख के कारण जो है वो होगा ही नहीं। स्वर्ग माना जहां मन वाणी कर्म सुख देने वाला, तीनों में मन में भी संकल्प दुख का नहीं आएगा, उल्टे काम का नहीं आएगा। तो आप सभी ये भाग्य, बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसी दुनिया में चलने के लिए आप यहाँ पीस ऑफ माइंड का कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि मन कहा जाता है, इंडिया में कहा जाता है, मन खुश जगत खुश, मन खुश तो जो भी चाहे ना वो सुख सुख शांति शांति हो। हम जो है वो अपने को भूलने के कारण इन कर्म इंद्रियों के वश हो गए। आज मोह काम, काम माना कामनाएं, इच्छाएं, आजकल इच्छा अच्छा बनने नहीं देती। कोई भी इच्छा बन में होगी उल्टी सुलटी, इच्छा से तो प्राप्ति होगी, लेकिन कोई भी उल्टी इच्छा, क्योंकि इच्छा की शक्ति बहुत बड़ी है, इच्छा अपने तरफ ऑटोमेटिकली लेके खींच लेती है। तो आप ये जो इच्छा रखी है कि हम पीस ऑफ माइंड का अनुभव करें और दूसरे को भी कराएंगे, क्योंकि मैं पीस में रहूंगी तो मेरा चेहरा पीसफुल ज़रूर होगा, मेरी चलन पीसफुल ज़रूर होंगी, और चलन मेरा और चेहरा जो भी देखेगा उनको भी प्रेरणा मिलेगी। जैसे कोई गरीब होता है, उसको लॉटरी मिल गई, उसके उस दिन उसकी शिकल में खुशी होती है, एक्स्ट्रा चेंज हो जाता है ना, चेहरा भी चेंज हो जाता है, चलन भी चेंज हो जाएगी। वैसे बेचारा गरीबी के उसमें चलेगा, उस दिन बहुत मौज करेगा, चेहरा उसका मुस्कुराएगा। तो जैसे उनका चलन और चेहरा दिखाता है, तो हमको जब पीस ऑफ माइंड मिल गया तो ये कितनी बड़ी लॉटरी है। इस लॉटरी से आपको पता है क्या मिलना है? एक जन्म में हमको शिव बाबा ने बताया है और प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है, और भगवान का वायदा है हमसे, ये बड़ी खुशखबरी है। आपका चेहरा मुस्कुराना चाहिए। एक जन्म में 21 जन्म का राजभाग मिलेगा। एक जन्म भी आपका आधा हो गया, आधा बाकी रहा। 21 जन्म आपके जीवन में दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा, ये गारंटी है भगवान की हमारे से। अगर पीस ऑफ माइंड का कोर्स पूरा किया तो ये गारंटी है, और भगवान की गारंटी के और किसकी गारंटी होगी?
और हमने अनुभव किया है, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। अब भी संस्कार बदल जाते हैं, अभी के संस्कार से मालूम होता है कि अभी के ही संस्कार बदल गए। कभी दुख शांति की बातें तो आएंगी, क्योंकि कलयुग है ना, बातें आएंगी, लेकिन बातों का असर मेरे मन में नहीं है। जैसे मिकी माउस देखते हैं ना, मिकी माउस देखते हैं तो लड़ते भी है मरते भी है, लेकिन हमको क्या मजा आ रहा है, ये मर रहा है, ये कर रहा है, दुख थोड़े होता है। मिकी माउस देखते खुशी होती है, हाँ ये बहुत अच्छी एक्ट कर रही। तो जो भी कुछ बातें आती है, आएंगी जरूर, और आगे चल के और आनी है, क्योंकि अति के बाद अंत होती है। ये कलयुग का अंत है, लेकिन अति में जा रहा है। और अंत के बाद क्या होता है, रात के बाद क्या होता है, सूर्य उदय होता है और सवेरा आ जाता है, रोशनी हो जाती है। तो ये कलयुग खत्म होके हमारा स्वर्ण राज आएगा।